शर्मा जी, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ गई है। रिजल्ट ब्रेकिंग है, ये टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। राजस्थान चुनाव में अब तक जेजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन। राजस्थान चुनाव में जेजेपी की, देखिए जेजेपी का भी जिक्र हो रहा है, बेहद खराब प्रदर्शन। 12 सीटों पर अब तक 500 वोट भी नहीं ले पाई है जेजेपी। तो क्या जेजेपी ने इसकी उम्मीद की थी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से चुनाव शुरू होने से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि अब हम राजस्थान में भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन जो है वो खोजेंगे, और उसके बाद अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बेहद खराब प्रदर्शन जो है वो जेजेपी का माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बगरू सीट पर जेजेपी उम्मीदवार को अब तक सिर्फ 86 वोट मिले हैं। बगरू सीट की अगर बात करें तो जेजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 86 वोट, रामगढ़ में जेजेपी उम्मीदवार को अभी तक सिर्फ 116 वोट मिले हैं। मात्र 116 वोट रामगढ़ में जेजेपी उम्मीदवार को मिले हैं। इसके साथ ही कुछ और जानकारी यहां पर दे आपको, तो कामा सीट पर जेजेपी प्रत्याशी को अब तक सिर्फ 118 वोट ही मिल पाए हैं। तो ये बेहद खराब प्रदर्शन जेजेपी का जो है राजस्थान में सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सूरसागर में जेजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 136 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगापुर की अगर बात करें, 224 वोट जेजेपी के प्रत्याशी को मिले हैं। इसके साथ ही ये बेहद खराब प्रदर्शन जो है वो माना जा रहा है जेजेपी पार्टी का। 319 वोट नसीराबाद में जेजेपी उम्मीदवार को मिले हैं, अब तक सिर्फ 319 वोट। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जेजेपी ने अपनी किस्मत राजस्थान में आजमाई, और उसके बाद अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, महुआ सीट की अगर बात करें तो जेजेपी उम्मीदवार को अब तक कुल 340 वोट ही मिले हैं। चलिए, तो इसी पर अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं अजय गुलिया जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, अभी इसी ब्रेकिंग से शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपने भी देखा किस तरह के जो नतीजे या रुझान जो है वो जेजेपी के लिए सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इस पर रिएक्शन आपका। कि लोकतंत्र में जनता का जो मत होता है वो सर्वोपरि होता है, हाथ जोड़ करके स्वीकार। देखिए, हमने प्रयास किया, हम लोग राजस्थान के अंदर गए, हम लोगों ने चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन आपको एक चीज समझने की भी होगी, देखिए वहां पे किसी और दल के लिए गुंजाइश बची नहीं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से, जैसे कि मैं आपके टीवी चैनल पर देख रहा हूं और सबके पास भी हमारे पास जो डाटा आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि लोगों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और उनकी एक तरफा सरकार बनाने का काम किया। तो इसलिए जब ऐसा मैंडेट जनता देती है तो दूसरे जो, जैसे हम नए दल थे, राजस्थान में गए थे जाकर के चुनाव लड़ा था, तो ऐसे दलों के लिए फिर वहां गुंजाइश बहुत थोड़ी रह जाती है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज मानता हूँ कि लोकतंत्र में जो जनता का मत होता है वो सर्वोपरि, और देखेंगे कहाँ कमी रह गई, उसको बेहतर करने का प्रयास भी करें। उम्मीद कितनी थी? लेकिन उम्मीद बताइए। देखिए, हमारी उम्मीद थी, उम्मीद से हम लोग कमतरी, हमारा प्रदर्शन बहुत कमतर प्रदर्शन रहा। लेकिन ठीक है, गुंजाइश, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। प्रयास करेंगे, इसको आगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नई पार्टी थी राजस्थान के अंदर जाकर के, संगठन भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, और समय लगता है देखिए किसी भी चीज को। तो ठीक है, जनता का मत है, समय लगता है। अमित तिवारी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, देखिए इसी पर, क्योंकि अभी हम इसी पर बने हुए हैं, तो इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जेजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है समय लगता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी का एंगल भी उन्होंने जोड़ दिया, आपने सुना। निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए जब चुनाव मैदान तैयार होता है तो उसमें काफी लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरते हैं। बड़े सपनों के साथ जेजेपी वहां गई थी और लगातार एक प्रयास किया गया, और एक बात कही गई कि जो राजस्थान की विधानसभा का ताला है वो जेजेपी की चाबी से खुलेगा। लेकिन वो जिस प्रकार के नकारात्मक परिणाम उनके आए हैं, 500 भी कई जगह तो मत नहीं ले पाए, काफी ऐसी 19 प्रत्याशी मैदान में थे लेकिन उनका कोई प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा, उपस्थिति कहीं उनकी नजर नहीं आई। हालांकि देखिए, चौधरी देवीलाल का एक तरह से कहा जाए तो वे खुद भी वहां से अपना भाग्य आजमाते रहे थे और खुद सांसद भी बने थे, और साथ साथ जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, वे दाता रामगढ़ और नोहर जो विधानसभा सीट है
वहां से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यानी दो सीटें हैं वहां से उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वहां उनके उम्मीदवारों को वहां कोई जनता ने कोई रुझान नहीं उनके पक्ष में आया। हाँ। तो ऐसे में एक नकारात्मकता रही है इस बात की, हालांकि कोशिश पूरी की गई थी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम बड़े जो नेता हैं उन्होंने अपनी हाजिरी वहां लगाई, रैलियां भी की और रोड शो भी निकाले, एक कोशिश रहती है जैसे अजय गुलिया कह रहे हैं। लेकिन एक और भी सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात कहता हूं कि क्षेत्रीय दलों को इस चुनाव में नकारने का काम जो है वो जनता ने किया है, चाहे